फरीदाबाद में हरियाणा महिला आयोग अध्यक्ष ने जिंदल यूनिवर्सिटी मामले में संज्ञान लिया है। महिला आयोग ने आरोपी प्रोफेसर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है। दरअसल महिला आयोग के चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने सोनीपत के जिंदल यूनिवर्सिटी में पहुंचकर छात्र और छात्राओं की निजी जिंदगी में दखलंदाजी और आरोपी प्रोफेसर के खिलाफ शिकायत पर संज्ञान लिया। उन्होंने कड़ी कार्रवाई की अनुशंसा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को कही है, साथ ही केंद्र और राज्य सरकार से भी इस मामले में हस्तक्षेप कर उचित कानूनी कार्रवाई करने की मांग की। मैम, कल जिंदल यूनिवर्सिटी गई थी सोनीपत में, एक डेटिंग ऐप के थ्रू बच्चों के मॉलस्टेशन का और इस टाइप का कोई मामला आया है, क्या है ये पूरा वाकया? देखिए, सोनीपत जाना मेरा कल बड़ा अनफॉर्चुनेट सा था। पिछले दिनों एक केस एक स्कूल का हुआ था, उसको देखते हुए मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मेरे ट्विटर आईडी पे टैग किया और मुझसे सहयोग मांगा है। उस चीज को जब हमने देखा कि इतने सारे स्टूडेंट्स हमारे को वो कर रहे हैं, तो जब मैंने अपने सोर्सेस से मामला पता किया तो ये पता लगा कि उन बच्चों के साथ कुछ डेटिंग ऐप को लेकर प्रॉब्लम है और उस डेटिंग ऐप में कोई बम्बल डेटिंग ऐप है जिसको उनकी एक प्रोफेसर समीना दिलवई, जो ह्यूमैनिटीज की प्रोफेसर है, जेंडर ह्यूमैनिटीज की, उसने अपने लेक्चर के दौरान इस ऐप के बारे में बात की और लड़के लड़कियों को कहा कि जरा ये ऐप खोलो। ऐप खोलने से, जैसे ही वो ऐप खोली, उससे बहुत सारी प्रिवेसी लीक हुई। प्रिवेसी मीन उन्हीं के स्टूडेंट्स में से लगभग 100-150 जो स्टूडेंट्स बैठे थे, उन्हीं में से 5-7 का उसमें फोटो आया। तो वो जिन स्टूडेंट्स का आया, वो इस बात से नाराज हुए कि हमारी प्रिवेसी लीक हुई। जब इस पर विरोध हुआ तो समीना दिलवई ने स्टूडेंट्स को कहा कि ठीक है, अगर आप इस तरह से नहीं करना चाहते तो आप एक नकली आईडी क्रिएट करिए। बच्चों ने कहा, नकली आईडी कैसे क्रिएट होगी, किसका फोटो डालेंगे? तो उसने कहा कि राहुल गांधी का डालो, क्योंकि वो फेमस पर्सनालिटी है। सोचने का विषय ये है, और मैं आपके माध्यम से राहुल जी को भी बोलूंगी कि समीना दिलवई जी से पूछा जाए कि उन्होंने आपका आईडी क्यों डलवाया बच्चों से। ये बच्चों के बयान है और हमारे पास सुरक्षित ऑडियो वीडियो उनका है। अब जब उन्होंने ये डाला तो बच्चों को ये चीजें ठीक नहीं लगी। उसमें कुछ ऐसी बातें थी जो बच्चों को बॉडी शेमिंग कर